हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रेवीज एंड मोर, जहां पे आज हम बनाने जा रहे हैं गलौटी कबाब। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये मटन से बनते हैं। सो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या करना होता है। सो जैसा कि मैंने कहा, 350 ग्राम ऑफ मटन ले लेते हैं, जिसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट और 1.5 टेबल स्पून जितना रॉ पपैया मैंने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको रख देना है साइड पे फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे एक ड्राई इंग्रेडिएंट से एक मसाला बना लेते हैं। ये मसाला फ्रेश बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है और टेस्ट भी एनहांस होता है। सो इसको ग्राइंड करके हम साइड पे रख देते हैं और एक वेट मसाला बनाते हैं, जिसके लिए कैश्यू, चारोली, अनियन फ्राई किया हुआ, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, रोस्टेड बेसन, ड्राई मसाला जो हमने ग्राइंड किया था वो, और थिक क्रीम डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा केवड़ा डाला है मैंने। सो ये मसाला मेरा रेडी हो गया है। इसको हम कीमे में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। एक ट्रे में इसको अच्छे से सेट करने के बाद हमें देना है इसमें दुंगा। सो सेट कर लिया, इसमें एक अनियन का शेल रख के चारकोल से हम दुंगार दे देते हैं। थोड़ा सा घी डालना है इसमें ताकि इसकी फ्रेग्रेंस और अच्छी आ जाए, और कवर करके इसको 30 मिनट्स के लिए साइड पे रख देते हैं। सो जब ये उसका चारकोल का फ्रेग्रेंस उसमें रच बस जाएगा तो आप उसको कबाब के शेप में थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगाने के बाद इसको छोटा सा फ्लैट करके एक ट्रे में सेट कर लेते हैं फिलहाल। और यहाँ पे पैन में मैंने घी ले लिया है फॉर फ्राइंग, और इसको करना है शैलो फ्राई मीडियम टू लो हीट पे, दोनों साइड फ्लिप करते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। सो मेरा गलौटी कबाब नियरली रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।